अब ये दो का ए नंबर है, कर आई कंसीडर अ कॉजल एलटीआई सिस्टम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंस इक्वेशन वाई एन इक्वल टू, ये फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एच ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा एंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहां कह रहा है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालिए और एच टी ऑफ द सिस्टम निकालना है। ठीक है, तो इंपल्स रिस्पॉन्स हम पहले भी दो मार्क्स वाला सॉल्व कर रहे थे तो बताए थे कि इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, फिर से बता दे रहे हैं। इंपल्स रिस्पॉन्स हम उसको कहते हैं कि अगर एच एन है, अगर इनपुट में अगर हम डेलन दिए, डेलन दिए यहां हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका एच ऑफ एन होगा क्योंकि ये टाइम डोमेन में सारा, तो ये यहां पे क्या होना चाहिए, ये एच ऑफ एन होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पे डेल एन दे रहे हैं इनपुट में तो आउटपुट जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम, इंपल्स रिस्पॉन्स करेंगे। और हम पहले ही बताए थे कि अगर इनपुट डेलन है, इंपल्स है, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा हमको, इंपल्स ही मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा एच एन ही मिलेगा क्योंकि एच एन कन्वोल्यूशन डेलन बराबर एच एन ही मिलता है, इसलिए एच एन को हम इंपल्स रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमको कहा एच की पावर जे ओमेगा निकालने, हम क्या करते हैं मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर वन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या है, वन है। और हम क्या करते हैं इक्वेशन वन में अप्लाई करते हैं अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म इन इक्वेशन वन। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन वन में, तो क्या होगा, y ऑफ जेड माइनस 3/4 वाई ऑफ जेड इंटू जेड इनवर्स प्लस यहां बोथ साइड लिख देते, दोनों साइड हम जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो y ऑफ जेड माइनस 3/4 वाई ऑफ जेड, है ना। एक चीज है कि हम प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं यहां पे कि y ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, y ऑफ जेड होता है। तो शिफ्टिंग अगर करते हैं y ऑफ n माइनस n नोट अगर करते हैं तब जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है, जेड की पावर अगर माइनस है तो माइनस n नोट इंटू y ऑफ जेड, अगर प्लस है तो अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, जेड की पावर प्लस एन नोट वाई ऑफ जेड। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज हम यहां लगा रहे हैं, एन माइनस यहां क्या है, यहां है आपका एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा यहां वाई एन का क्या हो जाएगा, वाई ऑफ जेड, ये प्रॉपर्टी है, ये कॉन्सेप्ट है इधर, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। तो इधर हम घेर के इस साइड लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, y ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, y ऑफ z 3/4 y ऑफ n माइनस वन का क्या होगा, y ऑफ z इंटू माइनस है तो क्या हो जाएगा, z की पावर माइनस वन प्लस 1/8 y ऑफ n माइनस टू, तो क्या लिखेंगे, y ऑफ जेड इंटू क्या है, माइनस टू है, क्या है, माइनस टू है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, जेड की पावर माइनस ऑफ टू। ठीक है, फिर आगे क्या है, इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड, तो ये जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई किए तो ये आया। हम क्या कर रहे हैं, वाई ऑफ जेड हम यहां से क्या किए, कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, वाई ऑफ जेड क्या ले ले रहे हैं, हम कॉमन ले ले, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस है ना 3/4 जेड इनवर्स प्लस 1/8 जेड की पावर ऑफ माइनस ऑफ टू इक्वल टू टू इंटू एक्स ऑफ जेड। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, वाई जेड को वाई जेड बाय एक्स जेड, यानी कोई ये क्या है, सिस्टम है, ये एच ऑफ जेड है, ये एक्स ऑफ जेड है और ये वाई ऑफ जेड है, तो हम क्या कहेंगे, एच ऑफ जेड बराबर क्या लिखेंगे, वाई ऑफ जेड अपॉन में एक्स ऑफ जेड, है कि नहीं, क्योंकि
हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, वाई जेड बराबर एच जेड इंटू एक्स जेड, तो एच जेड बराबर क्या हो जाएगा, वाई जेड अपॉन में एक्स ऑफ जेड, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको क्या कहेंगे, वाई जेड अपॉन में एक्स ऑफ जेड, इसको क्या लिखेंगे, एच ऑफ जेड लिखेंगे, एच ऑफ जेड लिखेंगे, क्या आया एच ऑफ जेड, ओके क्या आया एच ऑफ जेड, टू अपॉन में वन माइनस थ्री जेड इनवर्स प्लस वन बाय एट जेड की पावर माइनस टू, है ना। और हम जानते हैं हमको क्या पूछा, एच की पावर जेड नहीं पूछा है, वो ई टू दी पावर जे ओमेगा पूछा है। तो हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जेड इक्वल टू क्या होता है, आर ई टू दी पावर जे ओमेगा होता है ना, क्या होता है, आर जे ओमेगा होता है। क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जेड इक्वल्स टू हम क्या पुट कर दें, जेड इक्वल्स टू हम जानते हैं पुट, यहां लिख देना है पुट, जेड इक्वल्स टू ई टू दी पावर ऑफ जे ओमेगा, तो हम जेड के जगह हम ई टू दी पावर जे ओमेगा रख दे रहे हैं, तो वन माइनस थ्री इंटू ई टू दी पावर, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस वन बाय एट, वन बाय एट ई टू दी पावर माइनस जे टू ओमेगा, वन माइनस थ्री ई टू दी पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा, वन बाय एट ई टू दी पावर ऑफ माइनस जे टू ओमेगा, ठीक है। तो यहां से हम एच, ये क्या है, एच ई टू दी पावर जे ओमेगा निकाल लिए, ठीक है। लेकिन अब हमको कहा कि एच ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा तो निकाल लिए, अब आप क्या कीजिए, इनवर्स जेड यहां पे ये जो आया है, ये आपका, इसमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लगा करके हम क्या करेंगे, एच ऑफ एन निकाल लेंगे, ये टी नहीं पूछा है, ये एच ऑफ एन पूछा है, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये नेक्स्ट पेज में हम, क्या आया था मेरा एच ऑफ जेड, एच ऑफ जेड मेरा क्या आया था, नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं सॉल्व, एच ऑफ जेड मेरा क्या आया था, तो एच ऑफ जेड जो आया था मेरा वो आया था टू बाय वन माइनस थ्री जेड इनवर्स, है ना, टू टू बाय, एक सेकेंड, यहां से सॉरी यहाँ थ्री बाय फोर होगा, यहाँ क्या होगा, थ्री बाय फोर होगा, क्योंकि यह थ्री बाय फोर छूट गया, ठीक है। तो टू बाय वन माइनस थ्री बाय फोर, टू बाय वन माइनस थ्री बाय फोर जेड इनवर्स, वन बाय प्लस वन बाय एट जेड की पावर, तो क्या है यहाँ पे, टू बाय वन माइनस, टू बाय वन माइनस थ्री बाय फोर जेड इनवर्स, थ्री बाय फोर जेड इनवर्स प्लस वन बाय एट प्लस प्लस वन बाय एट जेड की पावर ऑफ माइनस टू, जेड की पावर ऑफ माइनस टू, ये लिख दिए हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, जेड की पावर टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड की पावर टू और जेड की पावर टू से, जेड स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे एच ऑफ जेड बराबर, हम तो एच ऑफ जेड बराबर लिखेंगे टू अपॉन में टू जेड स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस थ्री बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर जेड प्लस वन बाय एट, वन बाय एट जेड, सॉरी वन बाय एट, वन बाय एट ऊपर नीचे हम जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो मेरा ये आया। अब क्या कर देते हैं, अब आप इक्वेशन इसको मान लेते हैं वन, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अप्लाई मतलब हम क्या कर दे रहे हैं, अप्लाइंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, अप्लाइंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इन इक्वेशन वन। अब जेड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का सबसे अच्छा टेक्निक, अगर आपको स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या करना है, एक जेड को नीचे भेज देना है, एक जेड को क्या भेज देना है, नीचे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बताएंगे, ठीक है।
तो इनवर्स जब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए हम क्या बोले, इसको हम एच ऑफ जेड बाय जेड, एक जेड को उधर भेज दिए हम, तो क्या लिखेंगे, टू जेड अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 3/4 जेड प्लस 1/8, ठीक है, 1/8, ओके, 1/8। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इसको पार्सियल, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या लिखेंगे, जेड इक्वल्स टू प्लस 3/4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, 9/16, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac, यहाँ पे क्या था, प्लस 8 था, ओके, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, कहने का मतलब है 1/4ac, 4ac, 4 into ये, हाँ 4/8, मतलब कि 1/2, ओके, हाँ अपॉन में 2a2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3/4, ये क्या हो जाएगा 16, 9/8, 1/16 बोले तो प्लस माइनस 1/4 अपॉन में 2, अपॉन में 2, क्या आएगा इसका, दो वैल्यू आएगा तो 4/4 क्या हो जाएगा, -1 + 3, -1 + 3 कितना हो जाएगा, -2/4, तो -16, 9, 9, 2, 8 जा 16, 8, 9, 8 में 1, 1/4, तो 4 LCM लेंगे तो दो वैल्यू आएगा, क्या आएगा 4, अरे क्या हो जाएगा, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -3 + 1, -3 + 1 क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2/8, कहने का मतलब कितना आया, -1/4 आया, -1/4, ठीक है, -1/4, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, एक तो ये आया, दूसरा क्या आएगा, 4 और 2 बाय, हाँ -3 + 1/4, हाँ एक क्या आएगा, सॉरी इधर माइनस नहीं है, इसका मतलब ये है कि 4 LCM हो गया और 3 + 1 फोर, फोर फोर फोर, इसका मतलब 1/2 आएगा, ये क्या आएगा, ये 1/2 आएगा, ठीक है, तो -4 अपॉन में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1/2 आएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 3/4 -1/4 अपॉन में 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 3 में 1 गया कितना हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा 2, 2 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या हो जाएगा ये 1/4, तो ठीक है, हम तो इसको हम अब लिख सकते हैं ना, एच ऑफ जेड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एच ऑफ जेड बराबर, एच ऑफ जेड बाय जेड बराबर 2z अपॉन में जेड माइनस ऑफ 1/2 प्लस जेड माइनस ऑफ 1/4, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अब, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन एच ऑफ जेड बाय जेड को क्या लिखेंगे, ए बाय जेड माइनस ऑफ 1/2 प्लस बी अपॉन में जेड माइनस ऑफ 1/4, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 1/z माइनस ऑफ 1/4 एट जेड इक्वल्स टू 1/4 पुट कर रहे हैं, 1/4 ये तो 2 होगा, हाँ 1/4 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/1/4 -1/2, क्या हो जाएगा, 1/4 LCM 1 - 2, तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है, b इक्वल टू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/
जेड माइनस वन बाय फोर इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या रखेंगे हम, तो जेड इक्वल टू रखेंगे, ठीक है, तो जेड इक्वल टू हम क्या रखेंगे, जेड इक्वल टू क्या रखेंगे, तो पार्सियल फ्रैक्शन करेंगे, जेड इक्वल टू क्या रख देंगे, जेड इक्वल टू हम रखेंगे वन बाय टू, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन में वन बाय टू माइनस ऑफ वन बाय फोर, क्या जाएगा फोर ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा टू माइनस वन, एक आ जाएगा प्लस चार और एक आ जाएगा माइनस ऑफ चार, ठीक है। तो यहां से हम ए भी निकाल लिए, ए इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस चार, सॉरी माइनस चार और एक आ गया क्या प्लस ऑफ चार। तो हम जानते हैं चूंकि अब क्या करते हैं, हम अब क्या कर रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं, ये जो जड़ है अब उधर भेज, इसलिए हम जो है ई जड़ को नीचे लेके आए थे ताकि हम क्या करेंगे बाद में, हमको एक प्रॉपर्टीज होता है ना कि जेड बाय जेड माइनस ए इक्वल टू क्या जानते हैं, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ए की पावर एन यू वन, तो इसलिए हम थोड़ा सा समझदारी किए क्या, पहले ही जेड को हम उधर भेज दिए, अब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एच ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस फोर जेड अपॉन में जेड माइनस ऑफ वन बाय टू प्लस फोर जेड बाय जेड माइनस ऑफ वन बाय फोर। अब क्या इसका तो हमको पता है ना, अभी ये पता है ना कि जेड की पावर जेड बाय जेड माइनस ए का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म हम क्या लिखते हैं ए की पावर एन यू वन, तो हम क्या लिखेंगे माइनस माइनस फोर इंटू वन बाय, एक जगह क्या है वन बाय टू है, तो वन बाय टू की पावर एन इंटू यू वन प्लस प्लस फोर फोर इंटू वन बाय फोर की पावर एन इंटू यू वन यू वन, ठीक है। तो इस तरह से हम एच ऑफ एन भी निकाल लिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लगा के, है ना। तो यहां से तो ये टेक्निक है, आप दोनों एक तो रिस्पॉन्स पूछा था और एक एच एन पूछा था, आपको इतना कर देते हैं फुल मार्क मिल जाएगा, है ना। सेकेंड का बी नंबर क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहां कर रहा है इनवर्स डी टी एफ टी ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल, इस बार इनवर्स डी टी एफ टी निकालना, यानी ओमेगा डोमेन में है इसको, इसका मतलब पूछ रहा है आपसे एक्स ऑफ एन, यही ना पूछ रहा है, एक्स ऑफ एन पूछा है। डी टी एफ टी का एक चीज बता देते हैं, डी टी एफ टी डी टी एफ टी डिस्क्रीट डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है और फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म समझना है, टाइम डोमेन मतलब ये एन में और अनदर डोमेन में, बोले तो जेड डोमेन या डी टी एफ टी में, ठीक है, अनदर डोमेन लिख देते हैं उसका। तो टाइम डोमेन में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये फॉर्मूला याद करने के लिए काफी आसानी होगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, वो जो रटते हैं सिग्नल टफ हो जाता है, फॉर्मूला रटने से, रटना नहीं है समझना है। डी टी एफ टी, डी टी मैंने टाइम डोमेन में क्या होगा, ये डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट, और फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कि एपीरियोडिक, तो क्या हो जाएगा डिस्क्रीट और एपीरियोडिक है, ठीक ना, डिस्क्रीट और एपीरियोडिक। तो अनदर डोमेन में जब जाएंगे, जब हम क्या निकालेंगे, हमको तो एक्शन फाइंड करना है ना, एक्स ऑफ एन, तो डिस्क्रीट टाइम, अब अनदर डोमेन में क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कंटिन्यूअस, अनदर डोमेन मतलब डी टी एफ टी हो या जेड हो, है ना, तो ये तो टाइम एन मतलब एन में है डिस्क्रीट, अब अनदर डोमेन में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस, फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट मतलब होता है पीरियोडिक, यानी कि ये तो पक्का पता चल गया कि हमको एक्स ऑफ ओमेगा के टर्म में यहां दिया हुआ है और हमसे एक्स ऑफ एन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो कैसे याद रखेंगे, ये तो हमको पता चल गया ना कि एक्स ऑफ एनदर डोमेन, एक्स ऑफ ओमेगा जो है वो कंटिन्यूअस होगा, तो
एक्स ऑफ, यहां हम क्या लिखेंगे, हम एक्स ऑफ ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा लिखेंगे, एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा लिखा, और क्या है उसका नेचर क्या है, हम क्या बोले, फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट मतलब पीरियोडिक, हम क्या बोले कि ये कंटिन्यूअस है। तो भाई जब ये कंटिन्यूअस है तो समेशन नहीं आएगा, लोग को कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है यहाँ समेशन लगा है कि इंटीग्रेशन लगा है। जब ये कंटिन्यूअस है तो हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन लेंगे, और पीरियोडिक है तो पीरियोडिक है तो हम क्या कहेंगे, माइनस पाई से पाई, वन बाई टी माइनस पाई से पाई, है ना, और e टू दी पावर ये क्या, अगर n, n क्या है हमारा दुनिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, जब x ऑफ ओमेगा निकालते हैं e टू पावर माइनस जे ओमेगा n लेते हैं तो यहाँ लेंगे प्लस जे ओमेगा, तो जे ओमेगा n डी ओमेगा, ठीक है। तो x ऑफ ओमेगा बराबर क्या है, डेल ओमेगा है, तो यहाँ डेल ओमेगा हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ यहाँ पे अगर हम ये डेल ओमेगा अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस वन बाय पाई, सॉरी हाँ, एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा बराबर क्या दिया है, डेल ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा, हम क्या बताए हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डेल्टा टी माइनस ए अगर एक्स ऑफ टी 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 डी टी है, अगर वो रेंज में अगर आ जाए, मान लीजिए यहाँ सी है डी है, अगर ए जो है सी और अगर ए जो है सी और डी के रेंज में आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, टी एक्स ऑफ ए हो जाता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस जीरो न है कुछ तो क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई से माइनस पाई से पाई के बीच में आएगा ही, है ना, तो जीरो माइनस पाई से पाई के बीच में है कि नहीं, ऑब्वियसली है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे क्या, e की पावर जीरो, तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा e टू द पावर जे ओमेगा, ठीक है, तो डी ओमेगा, हाँ एक चीज और, ये चूंकि पीरियोडिक है ना तो यहाँ वन बाय टाइम पीरियड लेंगे ना हम यहाँ पे, तो टाइम पीरियड कहाँ है, माइनस पाई से पाई है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा, यहाँ टू पाई छूटा हुआ है तो यहाँ पे भी हम टू पाई लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन बाय टू पाई, तो 1 बाई टू पाई माइनस पाई से पाई, तो इस सॉरी हाँ, तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोला, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोला कि अगर ये 0 माइनस पाई से पाई के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाय टू पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 का बीबी सॉल्व कर लिए, है ना, तो आप ये चीज याद रखना है कि डिस्क्रीट मतलब अनदर डोमेन में, मतलब एक्स ऑफ ओमेगा में क्या होगा उसका नेचर, डिस्क्रीट मतलब पीरियोडिक, फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब कंटिन्यूअस, तो क्या लिखेंगे हम इसको, तो हमको पता चल गया कि एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा का जो नेचर है ना वो कंटिन्यूअस है और पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक होने के लिए हम क्या जानते हैं, वन बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई ले लिए, वन बाय टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई ले लिए, एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा बराबर क्या था, डेल ओमेगा था, जे ओमेगा पुट कर दिए, प्रॉपर्टी हम बताएं कि अगर इसके रेंज में आता है तो एक्स ऑफ ए हो जाता है, तो हम क्या बोले, यहाँ माइनस पाई के बीचे होगा, नहीं कुछ है तो जीरो, तो जब जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जीरो, और ये वन हो जाएगा, वन बाय टू पाई है बाहर, तो वन बाय टू पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब ये ऐसा कुछ बोला नहीं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए कि कंटिन्यूअस टाइम, वो कहा है, वो सिर्फ बोला है फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम खुद पता कर लेंगे ना, ये डिस्क्रीट में दिया हुआ है तो गारंटी है कि ये क्या पूछ रहा है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है ना, ठीक है, और एक कंसेप्ट है,
जेड डिस्क्रीट डीटीएफटी ना आसानी से हम एक और तरीका से निकाल सकते हैं, वो है हेल्प ले सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का। क्या कॉन्सेप्ट है कि जेड ट्रांसफॉर्म के भी हेल्प से हम डीटीएफटी निकाल सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप डीटीएफटी जेड का हेल्प नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म के हेल्प से आसानी से डीटीएफटी निकालना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या हम समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है समझना है। अगर हम कह रहे हैं ए की पावर एन यू एन है, समझना है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड वाई जेड माइनस ऑफ ए, और आर ओ सी क्या होता है, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन। अब ए का पता नहीं है आपको कि ए क्या है भाई, ए हो सकता है क्या हो, निगेटिव हो, और ए हो सकता है कि पॉजिटिव हो। तो एक बात बताइए कि अगर ये हो सकता है कि ये क्या बोलते हैं, ए हो सकता है आपका कि वन से ज्यादा छोटा हो, और ये जो है हो सकता है कि वन से क्या हो, ज्यादा हो। ये कॉन्सेप्ट को समझना है तभी आप जेड ट्रांसफॉर्म के हेल्प से भी डीटीएफटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पे यूनिट सर्कल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या है, यूनिट सर्कल है, क्या है ये, यूनिट सर्कल है। अब गौर करना है, केस वन अगर ए जो है वन से छोटा है, तो ए अगर वन से छोटा है तो ये जो मेरा यूनिट सर्कल है, ये जो मेरा क्या है, यूनिट सर्कल है ना, ये जो मेरा यूनिट सर्कल है इसका क्या होगा, इसका ये जो यूनिट सर्कल है ये अगर छोटा ले रहे हैं तो इसका जो हम आरओसी खींचेंगे ए लेस देन वन है, मतलब ये हम ए से छोटा, ए यहां चला जाएगा, माइनस ए प्लस ए, तो ए यहां चला गया। और हम क्या बोले थे, आरओसी क्या होगा भाई, मोड ऑफ जेड क्या होगा, आरओसी इसका जो आरओसी होगा मोड ऑफ जेड क्या होगा, ग्रेटर देन ए, क्योंकि ये यूएन क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है, तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा आरओसी, तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लिए, इसको आउटवर्ड हम ले रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम क्या है, स्टेबल हो गया, क्यों, हम बोले थे अगर आर ओ सी इंक्लूड करेगा इनकी यूनिट सर्कल को तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल, और स्टेबल का डीटीएफटी फाइंड होता है, यही कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ लिख देते हैं नोट में हम लिख दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा जेड ट्रांसफॉर्म के हेल्प से, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ओके। तो हम क्या कहे, यहां नोट में लिख दे रहे हैं हम इफ आरओसी इंक्लूड इफ आरओसी इंक्लूड यूनिट सर्कल, If ROC include unit circle, if ROC include unit circle, then we can find We can find DTFT directly with the help of Z transform निकाल करके सिंपली क्या करना, सिंपली रिप्लेस Z With e to the power j omega, सिंपली यही करना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा,
कि अगर आरओसी पहले चेक कर लिए, हाँ, और यहाँ पे हमको कंडीशन दे भी रखा है, यहाँ पे ये कंडीशन दे रखा है कि मोड ऑफ ए इज लेस देन वन, और अगर हम लेस देन वन लिए तो पक्का है कि ये आरओसी क्या है, यहाँ दे रखा है वो कंडीशन कि आरओसी जो है, सॉरी, मोड ऑफ ए जो है लेस देन क्या है, वन है, तो आरओसी इसका यूनिट सर्कल को इंक्लूड किया। इसका मतलब हम ये क्वेश्चन में हम 100% श्योर हैं कि डीटी जेड ट्रांसफॉर्म लगा करके हम डीटी एफ टी निकाल लेंगे। तो अब हम निकालते हैं, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक्स ऑफ, क्वेश्चन है एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू ए की पावर एन, ए की पावर, क्वेश्चन क्या था, ए की पावर मोड एन, ए की पावर मोड एन यू एन, और यहां कह दे रहा है मोड ऑफ ए जो है लेस देन वन, और यू एन क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है, आरओसी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं, आरओसी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, है ना। तो हम पहले अगर यूनिट सर्कल खींचते हैं, दिस इज यूनिट सर्कल, ठीक है, और ए लेस देन वन है तो ए अंदर जाएगा, और इसका आरओसी क्या है, राइट साइडेड है, तो ये क्या जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, तो इसको तो हम यहाँ लिख देंगे, बोल देंगे कि ये यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए इसका हम डी टी एफ टी जो है डायरेक्टली जेड ट्रांसफॉर्म से निकाल सकते हैं, सिंपली रिप्लेस जेड विथ ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा, सिंपल। तो पहले हम जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जेड में ई टू द पावर जे ओमेगा पुट कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा डी टी एफ टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन वन मानते हैं और इसको हम अप्लाई करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। तो हम इक्वेशन अगर एन को अगर हम तोड़े हम यहाँ पे, तो एक बार क्या होगा, ये माइनस मोड को अगर हम तोड़े, एक बार माइनस वन होगा, एक बार क्या होगा, प्लस वन होगा, ठीक है। तो एक्सन बराबर हम लिख सकते हैं कि ए की पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन माइनस ऑफ वन प्लस प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर ऑफ एन यू ऑफ एन, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक चीज हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और एक बार और लिखें तो वन बाय ए की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस ऑफ एन लिख सकते हैं, प्लस ए की पावर एन यू ऑफ एन लिख सकते हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं क्या, जेड ट्रांसफॉर्म, अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म, अप्लाइंग अप्लाइंग जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन टू, इन अब हम अप्लाई कर रहे हैं जेड ट्रांसफॉर्म इन इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एन क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब और यहाँ पे आरओसी भी लिख लेते हैं, आरओसी क्या होगा, ये क्या है, लेफ्ट साइडेड है ना, तो मोड ऑफ जेड क्या होगा, लेस देन वन बाय ए, और ये राइट साइडेड है ना, तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए, है ना। तो एक्स ऑफ कैसे लिखते हैं, पहले देख लेते हैं कि लेफ्ट साइडेड है, अच्छा ए के जगह क्या है, वन बाय ए, तो वन बाय ए से जेड क्या होगा, लेस होगा, ये राइट साइडेड है, ए से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये टेक्निक से आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो एक्स ऑफ जेड बराबर क्या क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी, जानते हैं ए की पावर एन, ए की पावर यहां पे लिख दे रहे हैं, ए की पावर, ए की पावर एन, यहां ए की पावर एन यू एन इक्वल टू होता है, यू एन होता है आपका जेड बाय जेड माइनस ऑफ ए, और माइनस ए की पावर एन यू ऑफ माइनस एन, माइनस एन, माइनस एन, ए की पावर एन माइनस एन माइनस ऑफ एन का होता है, या यहाँ प्लस लेते हैं तो इसको लिखेंगे माइनस जेड वाई जेड माइनस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जेड वाई जेड माइनस ऑफ वन बाय ए,
ये हो जाएगा प्लस प्लस जेड वाई जेड माइनस ऑफ ए। आरओसी क्या हो गया, यहाँ साइड में हम आरओसी लिख देते हैं, आरओसी मोड ऑफ जेड जो है ग्रेटर देन क्या है वन बाय ए है और लेस देन ए है, ये आपका हो गया आरओसी। ठीक है, ये हो गया आपका आरओसी। इस तरह से हम इसको, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ये क्या निकला मेरा, ये तो निकला है क्या, ये अभी मेरा जेड ट्रांसफॉर्म निकला। हमको डीटी एफटी पूछा था ना, हम लास्ट में क्या करेंगे, जेड इक्वल्स टू ई टू दी पावर जे ओमेगा पुट करेंगे ना, तो पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ई टू दी पावर ऑफ जे ओमेगा बाय ई टू दी पावर ऑफ जे ओमेगा माइनस वन बाय ए। ठीक है, यानी जेड के जगह ई टू दी पावर ऑफ जे ओमेगा, यहां भी ई टू दी पावर ऑफ जे ओमेगा, यहां भी ई टू दी पावर ऑफ जे ओमेगा, यहां भी ई टू दी पावर ऑफ जे ओमेगा लिख देंगे, आंसर हो गया डीटी एफटी में कन्वर्ट हो गया ई टू दी पावर जे ओमेगा। बस ये फाइंड हो गया आपका डीटी एफटी। तो यहां लिख देना है पुट जेड इक्वल्स टू ई टू दी पावर जे ओमेगा, ये ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा मेरा, ये डीटी एफटी निकल जाएगा। अब क्या है, फाइंड द नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0.5 की पावर एन इंटू यू वन, एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड 0.25 की पावर माइनस एन है जब एन लेस देन है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखें तो अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, x ऑफ n इक्वल टू क्या है, जब n ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है 0.5 की पावर n u ऑफ n है प्लस प्लस जब n लेस देन जीरो है तो इसका क्या है 0.25 की पावर 0.25 की पावर क्या है माइनस ऑफ एन यू ऑफ, अब लेफ्ट साइड वाला सिग्नल कैसे लिखते हैं डिस्क्रीट में, यू ऑफ माइनस एन माइनस ऑफ वन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाय टू की पावर 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 को लिख सकते हैं ना, 1/2 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n इंटू क्या लिखेंगे u1 लिखेंगे, 1/2 की पावर n इंटू u1 प्लस 1/, इसको ये लिख सकते हैं 1/4 में माइनस है तो 1/4 की पावर माइनस n को हम डायरेक्ट यही लिख दें कि 4 की पावर n है कि नहीं, 4 की पावर 4 की पावर n, 4 की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस ऑफ 1। एक काम और कर सकते हैं, क्या करेंगे कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यहां माइनस कर दें और यहां यहां हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लिख दिए और हम जानते हैं जैसे कि ओके, क्या करेंगे हम, अब हम क्या करते हैं 1/1, जैसे कि मान लेते हैं कि दिस इज एक्स ऑफ, ये अलग अलग, जैसे मान लेते हैं ये एक्स ऑफ वन है, एक्स ऑफ वन एन है और ये है मेरा एक्स ऑफ 2/1। ठीक है, तो x ऑफ 1 n है ये और x ऑफ 2 n है ये, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हाँ
तो एक्स ऑफ वन जेड बराबर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि जेड बाय जेड माइनस ऑफ ए, जेड बाय जेड माइनस ऑफ ए, जेड ऑफ जेड माइनस ऑफ वन बाय टू है, वन बाय टू, ओके। जेड बाय जेड माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, जेड बाय जेड माइनस ऑफ वन बाय जेड माइनस वन बाय टू क्या होगा, आरओसी क्या होगा, राइट साइडेड है ना, तो इसका आरओसी क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाय टू। फिर यहां पे हम लिखेंगे एक्स ऑफ टू जेड बराबर क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ टू जेड बराबर लिखेंगे जेड बाय जेड माइनस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी होता माइनस, लेकिन हम जानबूझ के मैनिपुलेट कर दिए थे यहाँ पे कि ये जो माइनस है तो माइनस एक बाहर एक अंदर, तो माइनस माइनस प्लस होता, तो जेड बाय जेड माइनस ऑफ फोर, यही ना होगा, वन बाय फोर की पावर एन, फोर चला गया, जेड बाय जेड माइनस ऑफ फोर। आरओसी इसका क्या होगा, इसका आरओसी होगा मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन फोर, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन फोर। हम क्या करेंगे यहाँ इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन है और अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म इन इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या होगा, जेड माइनस वन बाय टू प्लस प्लस जेड बाय जेड माइनस ऑफ फोर। तो ये मेरा क्या हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स ऑफ जेड मेरा फाइंड हो गया, ओके। अब हम तीन का पी नंबर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहां कहा है फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन माइनस जेड इनवर्स, वन बाय वन माइनस ऑफ फोर जेड इनवर्स, ये दिया है, आरओसी भी आपका यहां पे दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, ये है मेरा एक्स ऑफ जेड, इसको क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, वन माइनस वन बाय फोर ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, वन बाय वन माइनस ऑफ नाइन जेड इनवर्स। हम क्या करते हैं, जेड से ऊपर जेड से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये, जेड माइनस वन बाय फोर, जेड माइनस वन बाय नाइन, ठीक है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां कह रखा है कि मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाय थ्री, ओके। ये प्रिंटिंग हमको लग रहा है मिस्टेक है, यहां वन बाय थ्री है, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, थ्री का बी, तो थ्री का बी जो है वन माइनस वन बाय फोर जेड इनवर्स, ओके सही है सही है सही है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, जेड माइनस वन बाय फोर अपॉन में जेड माइनस वन बाय नाइन हो जाएगा। तो इधर एक्स ऑफ जेड बराबर हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, जेड बाय जेड माइनस ऑफ वन बाय नाइन, और इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस वन बाय फोर जेड बाय जेड माइनस ऑफ वन बाय नाइन, ठीक है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर एक्स ऑफ एन माइनस वन होता है, तो एक प्रॉपर्टी जो होता है कि एक्स ऑफ, ठीक है,
एक प्रॉपर्टी होता है आपका, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, हम इतना कर लिए, तो हम अगर इनवर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, हम तो जेड बाय जेड माइनस वन बाय नाइन का जब वन बाय थ्री से, वन बाय मोड ऑफ जेड इज वन बाय थ्री से आउटवर्ड है, तो वन बाय नाइन से भी पक्का है कि वो आउटवर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वन बाय नाइन की पावर एन यू एन होगा, क्योंकि ये मोड ऑफ जेड जो दे रखा है हमको वन बाय थ्री, इसका मतलब है कि मोड ऑफ जेड वन बाय नाइन से भी ज्यादा होगा। अब इसका करते हैं, वन बाय फोर वन बाय जेड माइनस ऑफ वन बाय नाइन। अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि जेड चाहिए यहाँ पे, तो नहीं है, तो हम एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड इनवर्स लिख सकते हैं ना, जेड इंटू जेड इनवर्स लिख सकते हैं। तो हमको ये भी मालूम है कि इसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि एक्स ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स ऑफ जेड इंटू जेड इनवर्स। तो ये मान लेते हैं कि एक्स ऑफ जेड है इंटू जेड इनवर्स है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना एक्स ऑफ जेड इंटू जेड इनवर्स है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स ऑफ एन माइनस ऑफ वन, और एक्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अगर एक्स ऑफ जेड लिखें तो क्या लिखेंगे, वन बाय नाइन की पावर एन, तो एन किससे रिप्लेस करेंगे, एन माइनस वन यू ऑफ एन माइनस ऑफ वन, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लिए, अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, अब ओके, अब क्या करेंगे हम इसको x ऑफ जेड बराबर क्या लिखेंगे, x ऑफ जेड बराबर क्या आ गया, सॉरी x ऑफ n बराबर ना, अप्लाई करने के बाद इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लगाए तो मेरा क्या आ गया, x ऑफ n बराबर 1 बाय 9 की पावर n n u n माइनस माइनस या प्लस, हाँ प्लस 1/4 1/9 की पावर n माइनस ठीक है क्या जगह 1/9 की पावर 1/9 की पावर n माइनस 1 u ऑफ एन माइनस ऑफ वन, ये हो गया आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइनल। तो थ्री का बी हम सॉल्व कर दिए, ठीक है, थ्री का बी समझ में आ गया, कुछ नहीं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद देखे कि ये फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, हम प्रॉपर्टीज जानते हैं, उस पर बैठा करके हम इसको सॉल्व कर लिए, ठीक। थ्री का सी में कह रहा है, कमेंट ऑन द कॉजलिटी ऑफ द सिस्टम हुज ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि कमेंट करें कॉजलिटी पे, एक एक टेक्निक से हम डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरा सॉल्व करके बताना है, लेकिन आप जो है कॉजलिटी को आप एक लाइन में भी हम ट्रिक बता देते हैं, बस ये एग्जाम में नहीं लिखना है, जस्ट कंपटीशन पर्पस के लिए। क्या है कि हम क्या करते हैं, एच ऑफ जेड अगर हम जेड स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना करें तो क्या हो जाएगा, 3z² - 4z है कि नहीं, z² - 4z, और नीचे क्या हो जाएगा, z² - 3.5 3.5z + 1.5 1.5 1.5, ओके। अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर का पावर, ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना है, उसके बाद इसको एग्जाम में ये ट्रिक यूज नहीं करना, जस्ट हम बता रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर का पावर, ठीक है, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से क्या हो,
न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से अगर लेस या इक्वल हो तो उसको क्या कहेंगे? कॉजल कहेंगे। क्या कहेंगे हम? कॉजल सिस्टम कहेंगे। इक्वल भी हो तो भी, अदरवाइज क्या होगा? नॉन कॉजल सिस्टम होगा। ठीक है, ये टेक्निक है। यहां दो, यहां भी है, दो यहां भी है, दोनों बराबर है, न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर, तो क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये सिस्टम क्या है? कॉजल है। लेकिन ऐसे तो बात बनेगी नहीं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं, जेड कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जेड हम कॉमन ले लेते हैं। तो जेड कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड 3z (z-4) अपॉन में इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम करते हैं यहां पे तो क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू यहां पे बगल में सॉल्व कर लेते हैं, हाँ, ठीक है, तो यहां सॉल्व कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, z = -b, माइनस बी कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस माइनस √b² बोले तो 3.5 का स्क्वायर -4ac बोले तो -4 × 1.5 अपॉन में 2। यहां से अगर हम कैलकुलेटर में इसको रखें तो क्या हो जाएगा, 3.5² माइनस 6.25 √3.5 + 3.5 / 3। एक क्या आएगा, एक आएगा z = 3 आएगा। तो यहां पे क्या रखेंगे, z - 3। ठीक है, और एक आएगा आपका 3.5 √ 2.5 minus 1/2.5। क्या आएगा, एक आएगा z - 1/2। ये आया, तो z का 2 वैल्यू आया यहां से, तो यहां से हम कर दिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, h of z = हम क्या लिखेंगे, a by z - 1/3 + b by z - 1/2। तो a = क्या हो जाएगा, 1 by z - 1/2 = 1/3। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1/1/3 - 1/2 क्या हो जाएगा, 6 - -6 आएगा। ओके, और b = क्या आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना है, हो सकता है कि मे भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, इसे तो हम
देख के कर ही रहे हैं ध्यान से, बस एक बार कर लेना अच्छे से कैलकुलेटर से, ठीक है? बाकी प्रोसेस परफेक्ट है, ठीक है? तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन बाय जेड माइनस ऑफ वन बाय टू इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, बी इक्वल्स टू जेड माइनस वन बाय थ्री होगा, यहाँ पे वन बाय टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाय टू माइनस ऑफ वन बाय वन वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, तो कितना हो जाएगा, थ्री टू वन, तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स, सिक्स होगा। तो यहां से हम ये चेक करना लेना है कैलकुलेटर में, अगर ये हुआ तो ठीक है, बाकी प्रोसेस एकदम सही है, ठीक है? इसको भी कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए निकल गया, ठीक है? तो एच ऑफ जेड बराबर क्या होगा, एच ऑफ जेड बराबर क्या होगा, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या है, माइनस सिक्स बाय जेड माइनस ऑफ वन बाय थ्री प्लस बी बराबर क्या आया था, प्लस सिक्स अपॉन में जेड माइनस ऑफ वन बाय टू, ठीक है? अब इसका हम लिखेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो आई जेड टी अप्लाइंग अप्लाइंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, तो क्या हो जाएगा, एच एन बराबर माइनस सिक्स इंटू वन बाय थ्री की पावर एन इंटू यू वन प्लस 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 वन बाय टू की पावर एन यू ऑफ एन इंटू सिक्स। तो मोड ऑफ जेड जो होगा क्या हो जाएगा, वन बाय टू से ज्यादा वन बाय थ्री से, ओवरऑल क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन बाय टू के लिए, आरओसी के लिए ये क्या लिखेंगे, राइट साइडेड आरओसी है, राइट साइडेड, तो मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाय थ्री, ग्रेटर देन वन बाय टू, तो ओवरऑल कॉमन आरओसी जो बनेगा, हम क्या करेंगे, मान लिया जाए आरओसी जो है ये क्या है, वन बाय टू है, ये क्या है, ये वन बाय थ्री है, हम कह रहे हैं वन बाय थ्री से भी ज्यादा, वन बाय टू से भी ज्यादा, तो कॉमन आरओसी क्या हो जाएगा, वन बाय टू से ज्यादा, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? इस तरह से हम थ्री के सी नंबर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर दिए, ठीक है? नेक्स्ट है आपका चार का ए नंबर, कह रहा है डिराइव द कंडीशन ऑफ बीबो स्टेबिलिटी, ठीक है? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड, पहले तो बीबो स्टेबिलिटी है क्या, तो बीबो स्टेबिलिटी है कि अगर हम यहां पे कंडीशन 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 फॉर बीबो बीबो स्टेबिलिटी क्या होगा, तो ये कंडीशन यही है बीबो स्टेबिलिटी का, कि अगर हम कोई सिस्टम है, अगर हम बाउंडेड इनपुट दिए, एक्स टी जो दिए, अगर हम बाउंडेड दिए लाइक दिस, अगर आउटपुट भी हमको क्या मिला, बाउंडेड मिला, बाउंडेड मिला, मान लिया जाए ये मिला यहां से, तो हम क्या कहेंगे, इनपुट अगर हम बाउंडेड इनपुट दिए, आउटपुट भी अगर मेरा बाउंडेड आउटपुट मिला, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसी कंडीशन को कहते हैं बीबो स्टेबिलिटी, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। जैसे कि अब इसको डिराइव करना है, तो हम आरओसी में क्या बोले थे, अगर आरओसी जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगा तो क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। तो इसी तरह से हम बाउंडेड इनपुट ले ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं हम, बाउंडेड इनपुट, ठीक है? कोई सिस्टम है, हम ले ले रहे हैं यहाँ पे, मान लिया जाए हम डेल टी ले ले रहे हैं, सिस्टम में हम प्रूफ कर रहे हैं अपने मन से, एक सिस्टम में क्या लिया, डेल टी लिया, और ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी लिए, और जहां की ए जो है लेस देन हम वन ले ले रहे हैं,
या यू कहें ए इक्वल टू टू ले रहे हैं, ठीक है, ए इक्वल टू टू ले रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा? तो हम कहे कि आउटपुट क्या होगा, डेल्टा वाई टी इक्वल्स टू डेल्टी कन्वोल्यूशन ई टू दी पावर माइनस टू टी, तो क्या हो जाएगा, वाई टी बराबर ई टू दी पावर माइनस टू टी इंटू यू टी होगा, ठीक है। हम इनपुट दिए थे बाउंडेड, आउटपुट भी मेरा क्या मिला ई टू दी पावर माइनस टू टी, यहाँ वन, ठीक है, आउटपुट भी मेरा क्या, इनपुट बाउंडेड दिए थे, आउटपुट भी मेरा क्या मिला, बाउंडेड मिला। तो इस सिस्टम के लिए क्या हुआ, ये स्टेबिलिटी हुआ। आरओसी से भी प्रूव कर दीजिए, कैसे, आरओसी क्या हो जाएगा, माइनस टू के पोल से क्या हो जाएगा, यूटी में ना राइट साइड, जब राइट साइड है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जब राइट साइड होगा तो ये जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड, मतलब ये सिस्टम स्टेबल है। तो यही है, एक कंडीशन भी लिख देना है और प्रूफ के लिए वो एग्जाम्पल भी दे देना है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन और स्टेबिलिटी, मतलब डेरिवेशन और स्टेबिलिटी दोनों हो जाएगा, एक एग्जाम्पल लेकर के समझा देना है, ठीक है। तो फोर्थ का हम ए नंबर सॉल्व कर लिए, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। हम कह रहा है क्वेश्चन में कि कंसीडर ए कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम एक्स टी एंड आउटपुट वाई टी इज रिलेटेड टू वाई टी इक्वल टू साइन एक्स टी, इज द सिस्टम कॉजल एंड लीनियर। पता करना है क्या ये सिस्टम कॉजल है या लीनियर है, ये चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉजलिटी चेक कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, तो चेक कर रहे हैं कॉजलिटी, पहला क्वेश्चन कॉजलिटी चेक कर रहे हैं, कॉजल है या नहीं। हम जानते हैं ना कि वाई टी बराबर क्या दे रखा है, वाई टी बराबर दे रखा है एक्स साइन टी, एक्स साइन टी। एक चीज तो है, क्या है कि अगर हम कॉजल सिस्टम किसको कहते हैं, अगर ये प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आउटपुट अगर प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे करेगा तब उसको कॉजल सिस्टम कहेंगे, अगर फ्यूचर पे डिपेंड करने लगा तो क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। तो हम कुछ वैल्यू लेके चेक कर ले, जैसे कि y ऑफ जीरो लेके देखे तो क्या हो गया, x ऑफ साइन जीरो क्या देगा, जीरो देगा, जीरो है जीरो, बहुत अच्छा, प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। y ऑफ हम ले रहे हैं माइनस पाई, ठीक है, तो साइन माइनस पाई क्या देगा, वो भी जीरो ही है, हाँ निगेटिव ले रहे हैं तो भी जीरो दे रहा है, हाँ ये भी, ये क्या है, हम माइनस पाई लिए, मतलब वैल्यू कैसा ले रहे हैं, माइनस पाई, और दे रहा है क्या, फ्यूचर वैल्यू दे रहा ना, तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे हम, ये कॉजल नहीं है तो क्या है, तो इसको आंसर क्या, मेरे नॉट कॉजल बोलेंगे या नन कॉजल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉट कॉजल या नन कॉजल बोलेंगे। अब सिस्टम को चेक करते हैं दूसरा, कि ये लीनियर है कि नहीं, तो दूसरा पार्ट है यहाँ पे लीनियरिटी चेक करने के लिए, लीनियरिटी चेक करने के लिए अगर कहता है कोई सिस्टम का, वो कैसे कहेंगे कि लीनियर सिस्टम है, तब कहेंगे अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को वो फॉलो करता है और होमोजिनिटी को अगर फॉलो करता है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं लीनियर। तो सबसे पहले लीनियरिटी क्या कहेंगे, जो फॉलो करेगा किस रूल को, एक होमोजिनिटी को और दूसरा सुपर पोजिशन को। अगर ये होमोजिनिटी और सुपर प्रिंसिपल दोनों लॉ को फॉलो करेगा तब सिस्टम को कहेंगे हम कि ये लीनियर है। तो सबसे पहले होमोजिनिटी होता क्या है, अगर हम कहते हैं वाई टी इक्वल टू एक्स टी है, हम कह रहे हैं कि इनपुट में अगर हम सी से स्केल किए तो एक्स टी को हम अगर
एक्स टी को अगर हम सी से स्केल किए, क्या किए, सी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, सी एक्स टी हो गया। अगर हम आउटपुट में भी सी से स्केल किए तो ठीक है, अगर दोनों बराबर है तो हम बोलेंगे ये होमोजिनिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। और ये क्या बोलते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं होमोजिनिटी भी। तो यहां वाई टी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक्स एक्स साइन टी, तो क्या हो जाएगा, हम इनपुट में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम आउटपुट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी इंटू वाई टी, और इनपुट में अलग अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों क्या होगा, बराबर ही देगा, बराबर ही देगा ना, सी इंटू साइन टी, तो हाँ होमोजिनिटी तो फॉलो कर रहा है। अब सुपर पोजिशन चेक कर लेते हैं, तो सुपर पोजिशन में क्या होता है, तो सुपर पोजिशन में हम क्या कहते हैं, हम पहले हम y1 t लिखते, ठीक है, तो y1 t बराबर क्या हो जाएगा, x1 sin t, दूसरा है y2 t इक्वल टू x2 sin t, x2 sin t, ठीक है। अब एक y3 सिस्टम लेते हैं, जो कि एक सेकंड, जहां 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 x है ना वहां एक साथ लिखना है, ये तो हम अलग 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 लिखे, एक बार हम क्या किए, एक्स वन टी किए, एक बार क्या किए, एक्स टू टी किए इनपुट। अब वाई थ्री टी सिस्टम ऐसा है, एक ही साथ है तो करेंगे भी तो क्या होगा, साइन टी प्लस एक्स साइन टी। अब क्या आ रहा है, दोनों का अगर y3 इक्वल है y1 प्लस y2 के, तो क्या बोलेंगे, ये लीनियर है, क्या है, लीनियर, तो ये सिस्टम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों बराबर ही दे रहा है, तो ये सिस्टम क्या है, लीनियर है। तो यहां लिख देंगे, अच्छे से दिखा देना है, ये दोनों ऐड करके ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सिस्टम लीनियर है, क्या है, लीनियर है, ठीक है। तो दोनों प्रिंसिपल को फॉलो किया तो ये सिस्टम क्या है, और कभी कभी कोई कोई कंफ्यूज करता, जनरली लोग बुक्स में भी पढ़ता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है क्या होता है, नॉन लिनियर होता है, लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान देने बात है, ये एक्स का फंक्शन है, ये अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर, सिंपल साइन टी बोलता तो क्या हो जाता, नॉन लिनियर हो जाता, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, नॉन लिनियर है, लेकिन ये एक्स के अंदर में, ये लिनियर फंक्शन है, जो कि हम प्रूव भी कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमको कह रहा है स्केच द सिग्नल ऑफ डेल कॉस्ट, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग पढ़े होंगे कि डेल टी का डिफिनेशन, हमको ये क्वेश्चन को स्केच करने से पहले हम थोड़ा सा, हम और डेल को हम सिग्नल सिस्टम का कृष्ण भगवान बोला जाता है, ये हर जगह आप फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ भी पढ़े, ये आपको नाचते हुए मिल जाएगा हर जगह, ठीक है। तो इसलिए तो डेल्टा टी का खासियत, एक डिफिनेशन क्या है, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया होता है, टी इक्वल टू जीरो पे क्या देता है, वो टी इक्वल टू जीरो पे देता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्या देता है, एरिया देता है ना, डेल्टा टी इंटू डी टी, ये एरिया देता है ना, और टी अदरवाइज जो है, अदरवाइज ये क्या देता है, अदरवाइज ये वन देता है, ठीक है। तो डेल्टा टी का एरिया क्या होगा, ये तो वन होगा ना, मान लिया जाए ए डेल्टा टी होता तो क्या होता, मान लिया जनरलाइज करते हैं, ए डेल्टा टी है तो क्या होता, ये ए होता टी इक्वल टू जीरो पे, अदरवाइज क्या होता, ये जीरो होता, अदरवाइज क्या होता, जीरो होता। तो ई तो यानी ये डिफिनेशन हुआ ना कि डेल्टा टी इक्वल टू जीरो पे एरिया देता और नॉट अदरवाइज क्या देता है, एरिया क्या है, अगर सिंपल अगर हम डेल्टा टी का बात करें, डेल्टा टी का एरिया क्या होगा, वन, तो टी इक्वल टू जीरो पे वन देता है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, टी इक्वल टू जीरो पे एरिया, तो एरिया क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पे एरिया यहाँ पे क्या है, ए है,
अदरवाइज सिस्टम क्या है, जीरो है। ये है डेल्टा टी का, लेकिन यहां ट्विस्ट है, यहां कह रहा है कि एक्स टी इक्वल टू डेल कॉस टी। यहां से ध्यान से सुनना है कि ठीक है, यहां ध्यान से सुनना है, डेल इंटू क्या हो जाएगा कॉस टी, डेल इंटू क्या हो जाएगा कॉस टी, तो ये कॉस टी है। तो हम क्या कहेंगे, एरिया टी इक्वल टू जीरो पे क्या देता था, हम क्या बताया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, एक्स टी इक्वल टू अगर ए डेल्टा टी है, हम क्या बोले थे टी इक्वल टू जीरो पे एक्स टी इक्वल टू क्या होगा एरिया, एरिया क्या है ए है, ए डेल्टा टी का एरिया, अदरवाइज क्या होगा जीरो होगा। तो यहां भी ऐसे लिखेंगे हम कि टी की जगह क्या है कॉस टी पड़ा हुआ है वहां पे, है ना, टी की जगह कॉस टी पड़ा हुआ है, तो कॉस टी इक्वल टू क्या करेंगे हम जीरो करेंगे, तो कॉस टी इक्वल टू अगर हम जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा वन, एरिया क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, है ना एरिया, क्योंकि डेल्टा टी का एम्पलीट्यूड यही ना एरिया देता है, तो एरिया हो जाएगा वन कॉस टी इक्वल टू जीरो के लिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज हो जाएगा जीरो। ये डिफिनेशन हो, अब इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो कॉस टी जीरो कब मिलता है जब टी इक्वल्स टू क्या रखेंगे एन पाई बाई टू, तभी ना ये जीरो देगा। तो हम एक्सिस खींच रहे हैं, ये जीरो है, ये मान लिया जब हम ले रहे हैं पाई बाई टू, ये ले रहे हैं पाई, ये ले रहे हैं हम क्या पाई पाई टू प्लस पाई थ्री पाई बाई टू, ऐसे डॉट डॉट डॉट, इधर भी क्या लिखेंगे माइनस प्लस माइनस एन पाई बाई टू पे जीरो देगा, ये प्लस माइनस एन पाई बाई टू पे क्या देगा जीरो देगा, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू माइनस, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से हम ले लिए, ठीक है। तो ये कहां कहां वन देने वाला है, क्योंकि प्लस एन पाई बाई टू पे कॉस टी जीरो होगा और वहां पे वन देगा। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ये कहाँ पे जीरो वन देने वाला है, कॉस टी जहां जीरो होता है, तो कॉस टी कहाँ जीरो होता है पाई बाई टू पे जीरो होता है, तो ये वन दे दिया, ठीक है, पाई पे नहीं ना, तो पाई पे जीरो देगा, थ्री पाई बाई टू पे क्या देगा वन देगा, माइनस पाई बाई टू पे क्या देगा वन देगा, माइनस थ्री पाई बाई टू पे क्या देगा वन देगा, ऐसी तरह जहां जहां एन पाई बाई टू का होगा वहां वहां क्या देगा। तो इसका ग्राफ हम क्या करा खींच दिए, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि क्या है, एक बार ध्यान से देखना, हम क्या जाने डेल्टा टी, टी इक्वल टू जब जीरो है तो एरिया ए अदरवाइज जीरो, या डेल्टा टी का कोई भी खींच देगा, लेकिन अपने को दे रखा था कॉस टी, तो कॉस टी इक्वल टू जब जीरो है तो एरिया क्या है वन है, और तो एरिया वन है, तो कॉस टी जीरो कहाँ कहाँ मिलेगा प्लस माइनस एन पाई बाई टू पे, तो जहां प्लस माइनस एन पाई बाई टू था वहां वहां हम क्या करा जीरो कर वन दे दिया, और बाकी जगह क्या अदरवाइज क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। तो ये भी हम क्या करें सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर चार का सी, तो चार का क्वेश्चन नंबर सी हम यहां से सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चार का डी नंबर, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चार का डी कह रहा है, चार का डी कह रहा है कि फाइंड द इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ द एक्स टी। हम जानते हैं कि इवन कंपोनेंट बराबर जो फॉर्मूला होता है एक्स टी, पहला निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं इवन कंपोनेंट, क्या निकाल रहे हैं इवन कंपोनेंट, फर्स्ट पार्ट इवन कंपोनेंट, क्या निकाले इवन कंपोनेंट निकाले, ठीक है। तो एक्स टी एक्स ई टी बराबर होता है क्या होता है एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन में क्या लिखेंगे टू लिखेंगे, है ना। तो एक्स ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, तो एक्स ऑफ टी बराबर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस ऑफ टू टी कॉस ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर क्या हो जाएगा टू टी इंटू कॉस ऑफ माइनस टी, कॉस ए टी हो जाता है पता है ना टू, तो हम क्या करेंगे कॉस ऑफ माइनस टी कॉस टी ही हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहां से हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन,
तो कॉमन ले लेंगे, कॉस डी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये ले लिए हम कॉस डी को बाहर, तो ये क्या आया, ये क्या आया, हाँ कॉस डी को ले लिए बाहर, तो ये आ गया ई टू दी पावर, हाँ ये क्या है, टू है, क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टू टी प्लस ई टू दी पावर टू टी डिवाइड बाई टू, और हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कहते हैं कॉस हाइपरबोलिक, क्या कहते हैं, कॉस टी, तो आंसर क्या हो जाएगा, इवन पार्ट बराबर कॉस टी इंटू, इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक बोलिक टू टी, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया आंसर। एक चीज और समझा देते हैं यहाँ पे कि साइन टी का हम लोग क्या जानते हैं, ई टू दी पावर ऑफ जे टी माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस जे टी अपॉन में टू जे, यही जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, जे हटता है, हाइपरबोलिक सीखना है ना, जे हटता है एच जुड़ता है, ऐसे याद रखना है, जे हट जाता है एच जुड़ जाता है, तो जे जहां जहां जे हटा देना है और एच जोड़ देना है बस, तो क्या हो जाएगा, उसी तरह कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस टी का क्या होता है, कॉस टी का जानना है, कॉस टी कॉस टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर जे टी प्लस ई टू दी पावर ऑफ माइनस जे टी अपॉन में टू, तो क्या बोले, हाइपरबोलिक का फॉर्मूला याद रखने के लिए कॉस एच टी, क्या बोले, जे हटेगा और यहाँ H जुड़ेगा, तो यहाँ पे H जुड़ गया और ये J हटा देना है, वही फॉर्मूला होता है, इसे हम याद किए हैं, ठीक है, T प्लस जे टी ई टू दी पावर ऑफ माइनस जे, जे हटा देना है, ए टू पर टी इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस टी बाय टू, तो क्या हो जाएगा, कॉस एच टी, यही ना है, तो यहाँ पे क्या है, J सिर्फ गायब है ना, तो ये कॉस टू टी हो जाता, लेकिन ये क्या लिखेंगे हम इसको, कॉस हाइपरबोलिक टी इंटू कॉस टी, ये हो जाएगा, ये निकल गया मेरा क्या, ये निकल गया मेरा इवन कंपोनेंट निकल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे ऑड कंपोनेंट, दूसरा पार्ट है ऑड कंपोनेंट, दूसरा पार्ट क्या है, ऑड कंपोनेंट, तो ऑड कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ ऑड टी बराबर होता है, क्या होता है, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन में टू, अपॉन में टू, यही होता है, तो एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ ऑड टी बराबर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस टू टी इंटू कॉस टू टी, सॉरी कॉस टी, कॉस टी, कॉस टी माइनस ई टू दी पावर ऑफ टू टी इंटू कॉस टी अपॉन में टू, टू, ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसको, cos t बाहर हो जाएगा, cos t बाहर हो जाएगा, और इसको लिखेंगे e टू दी पावर ऑफ 2t टी माइनस माइनस cos t बाहर ले लेते हैं, तो रूपर 2t टी माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस 2t टी अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो हाइपरबोलिक एड होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक 2t, cos t इंटू साइन हाइपरबोलिक 2t, ये ऑड पार्ट आ गया मेरा, ठीक है, तो इस तरह से हम चार का डी नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पांच का ए, फाइव का ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, तो यहां पे दिया हुआ है कंप्यूट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल शोन इन द फिगर, तो यहाँ पे एक सिग्नल दिया हुआ है, इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप गौर करें कि ये यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या है, टू टी नॉट है, क्या है, टू टी नॉट है ना, तो ये डिस्टेंस क्या है, टू टी नॉट है, तो टी बराबर, t बराबर ये क्या है, ये t, ये 2t नॉट है, तो ये भी क्या हो जाएगा,
यहां से ये वाला भी क्या हो जाएगा, टू टी नॉट होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये टू टी नॉट है और ई भी क्या है, टू टी नॉट है। कहने का मतलब कि ये भी क्या है, टू टी नॉट, टू टी नॉट हम कह सकते हैं कैपिटल टी इक्वल्स टू फोर टी नॉट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आपका, क्योंकि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, पल्स दिखे, तो वहां पे सबसे आसान तरीका ये होगा कि इसको डिफरेंशिएट करके क्या करना है, इंपल्स को ले आना है। जब तक नहीं इंपल्स आ जाए तब तक डिफरेंशिएट करना है, ये एक टेक्निक है। ठीक है, तो जब तक इंपल्स क्या है, कृष्ण भगवान सिग्नल का, कृष्ण भगवान उसको बोला गया है, हर जगह बहुत हर जगह वो नाश्ते मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कृष्ण भगवान को ढूंढेंगे, वो कब मिलेगा, जब एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं कि ये वाला ये क्या हो जाएगा, ये टी नोट है, तो टी नोट में टू टी नोट जुटेगा तो क्या हो जाएगा, थ्री टी नोट, नहीं क्या, टी नोट में टू टी नोट जोड़े तो थ्री टी नोट हो गया, थ्री टी नोट में टू टी नोट जोड़ेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, फाइव टी नोट हो जाएगा, ये थ्री टी नोट हो गया, ये माइनस थ्री टी नोट हो जाएगा, ये माइनस फाइव टी नोट हो गया, यही है। और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पल्स को, ये डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ पे क्या एक पल्स, एक इम्पल्स फंक्शन मिलेगा ऊपर की ओर, फिर यहाँ जब डिफ्रेंशिएट होगा तो एक इम्पल्स फंक्शन नीचे की ओर मिलेगा, फिर यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इस पल्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, कहने का मतलब डी एक्स टी अपॉन में अगर हम डी टी लें, डी एक्स टी अपॉन में डी टी लें तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा डी एक्स टी अपॉन डी टी का ग्राफ, तो डी एक्स टी अपॉन में डी टी का ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा जैसे कि ठीक है, तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक ये ले लिए हम यहां से, ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, हम क्या करेंगे यहां से, ये वाला सेकंड, हाँ ठीक है, ये आपका रहा ये, 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 तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा आसान लगेगा, है ना, आप देखना है ध्यान से, हम क्या बोले कि अगर ये क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या देता है, इंपल्स देता है, तो इंपल्स मिलेगा क्या हो जाएगा, फाइनल वन है, इनिशियल जीरो है, तो क्या हो जाएगा, वन मिला, यहाँ पे क्या मिला, फाइव टी नोट पे वन मिला, और माइनस थ्री टी नोट पे क्या मिलेगा, तो माइनस थ्री टी नोट पे माइनस वन मिला, ठीक है, और माइनस टी नोट पे क्या मिला, प्लस प्लस वन मिला, और प्लस टी नोट पे क्या मिला, प्लस माइनस वन मिला, यहां पे क्या मिलेगा, थ्री टी नोट पे क्या मिलेगा, थ्री टी नोट पे मिलेगा प्लस वन, और फाइव टी नोट पे क्या मिलेगा, फाइव टी नोट पे क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह से हम डी एक्स टी अपॉन डी टी बराबर क्या मिला हमको, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहां हमको, यहां हमको डी एक्स टी अपॉन में डी टी बराबर जो मिला है क्या मिला, इसको लिख लेते हैं, डी
एक्स टी अपॉन डी टी बराबर क्या मिला हमको, इसको लिख सकते हैं ना, ये इंपल्स फंक्शन शिफ्टेड लेफ्ट है 5t नोट से, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी माइनस 5t नोट नहीं प्लस, क्योंकि लेफ्ट में प्लस होता है, तो 5t नोट। फिर क्या लिखेंगे हम, अरेंज कर लेते हैं, एक इसका लिए एक इसका ले ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि एक साथ इस लिए लिख रहे हैं, ये साइन का फंक्शन बनने वाला है आगे, तो एक बार इसका लिखे तो एक बार इसका लिख दे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस डेल्टा टी माइनस माइनस डेल डेल टी माइनस टी टी माइनस 5t नोट, ठीक है। ये माइनस एम्पलीट्यूड है डेल्टा टी, ये राइट शिफ्ट वाला है, ये जीरो है तो ये राइट शिफ्टेड वाला है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी माइनस ऑफ 5t नोट, तो इसका लिख दिए एक पेयर। अब आगे इसका लिख रहे हैं, इसका और 3t नोट वाला क्या है, इसका दोनों का क्या हो जाएगा माइनस, तो हम पहले प्लस वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्लस वाला, हम इसको लिख रहे हैं क्या हो जाएगा, ये 3t नोट से शिफ्ट है इधर, ये किधर शिफ्ट है 3t नोट से इस साइड शिफ्ट है ना, तो इसको क्या लिखें डेल्टा टी माइनस ऑफ 3t नोट, डेल्टा टी माइनस ऑफ 3t नोट, एम्पलीट्यूड क्या है प्लस वन एम्पलीट्यूड है, तो प्लस वन एम्पलीट्यूड है तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 इंटू डेल्टा टी माइनस ऑफ 3t नोट, डेल्टा टी माइनस ऑफ 3t नोट। अब क्या लिखेंगे इस साइड चले जाएंगे तो माइनस 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 डेल्टा टी प्लस 3 नोट, क्योंकि माइनस एम्पलीट्यूड है। अब कौन बचा, अब ये वाला बचा डेल्टा टी प्लस टी नोट, क्या लिखेंगे अब कौन बचा, यहीं पे कर देते हैं प्लस डेल्टा टी प्लस टी नोट, ठीक है, तो डेल्टा टी प्लस टी नोट माइनस डेल्टा टी माइनस ऑफ टी नोट, ये इधर शिफ्ट हुआ तो डेल्टा टी माइनस ऑफ ये क्या है टी नोट, ये माइनस एम्पलीट्यूड है तो इसको माइनस लिख दिए। तो इस तरह से क्यों लिखे, क्यों, अब हम क्या कहते हैं इसको मानते हैं इक्वेशन 1, अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम प्रॉपर्टी जानते हैं डी एक्स टी बाई डी टी को फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा अपन, जे ओमेगा एक्स ओमेगा मिलेगा, क्या मिलेगा जे ओमेगा एक्स ओमेगा मिलेगा, ठीक ना, जे ओमेगा एक्स ओमेगा मिलेगा, ओके, जे ओमेगा एक्स ओमेगा मिलेगा, ओके, जे ओमेगा एक्स ओमेगा मिलेगा, तो इसको क्या लिखेंगे और इसका क्या है डेल्टा टी प्लस 5 नोट, इसको क्या लिखेंगे ई टू दी पावर जे 5t नोट ओमेगा माइनस, प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना कि शिफ्टेड होता है तो क्या प्लस, तो प्लस ही होता, तो ई टू दी पावर 5 जे ओमेगा नोट, इसको क्या लिखेंगे माइनस ई टू दी पावर माइनस जे 5t नोट ओमेगा, ये भी लिख दिए हम, ओके। अब इसको यहां इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो ये क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे 3t नोट ओमेगा माइनस ई टू दी पावर जे 3t नोट ओमेगा। अब इसका कर देते हैं प्लस ई टू दी पावर जे ओमेगा टी नोट माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट। हम क्या करेंगे हम जे ओमेगा जे को ये जे को यहां ले आते हैं तो सब जगह जे चला जाएगा, यहां ये भी चला जाएगा यहां जे और ये भी चला जाएगा यहां जे, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं और क्या करते हैं 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं
समझ में समझना है, ये जे को हम यहाँ पे लाएं, बाद में कंफ्यूज नहीं करना, पॉज करके वीडियो लिख लेना है स्टेप को पूरा, हम यहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा टू जे, टू जे तो हम इसको लिख सकते हैं, टू टू से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, टू से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला पता चल गया क्या चीज का है, टू साइन फाइव टी नॉट ओमेगा प्लस टू साइन कॉस थ्री टी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा माइनस ई टू दी पावर जे ओमेगा। यहाँ पे क्या है, उल्टा है, इसको पहले हमको प्लस वाला लाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ई टू दी पावर जे थ्री टी नॉट है, इधर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में बन जाएगा मेरा, तो माइनस टू साइन थ्री टी नॉट ओमेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू साइन ओमेगा टी नॉट। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ क्या है, ओमेगा एक्स ओमेगा है, तो एक्स ओमेगा, ओमेगा इधर चला जाएगा, तो यहाँ बाय ओमेगा, यहाँ बाय ओमेगा, यहाँ बाय ओमेगा, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से अगर सॉल्व करें तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है, एक्स ऑफ ओमेगा बराबर, ये सारा आपका रहा आंसर, ये वाला। ठीक, ओके, इस तरह से हम फाइव का ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, ओके, नाउ फाइव का बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है फाइव का बी नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कंप्यूट द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। अब स्टेप रिस्पॉन्स कर रहा है, हम तो बार बार, हम दो नंबर वाले क्वेश्चन में हर जगह ये चीज तो बताते ही हैं आपको, स्टेप रिस्पॉन्स क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स किसको कहेंगे, अगर एच एस, ये मेरा एच एस है, अगर इनपुट में यूएस यानी यूटी दे दिए, कहने का मतलब यूटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, 1/s, है ना, अगर इनपुट में यूटी दे दिए तो तब जो मेरा वाई टी आया उसी को ना कहेंगे, हम जो वाई एस ही पूछ रहा है, स्टेप रिस्पॉन्स करने का मतलब इनपुट में आप क्या ले लिए, स्टेप इनपुट ले लीजिए, तब जो आउटपुट आएगा वही पूछ रहा है, माने स्टेप रिस्पॉन्स, तब वाई एस बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लैपलास डोमेन में क्या होता है, कन्वोल्यूशन नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो वाई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वाई एस इक्वल टू हो जाएगा 1/s into 1/s into, ठीक ना, 1/s into 6s plus 1/s into s plus 3, यही वाई एस आया। अब इसी को क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो वाई एस बराबर क्या आया, तो वाई एस बराबर जो आया, तो वाई एस बराबर आया आपका 6/s² s + 3 into s plus 1। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, a/s + b/s² + c/s + 3। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/1, चूंकि हम एक चीज जानते हैं, अगर ये b तो आसानी से निकल जाएगा, a में क्या है, s स्क्वायर है ना, एक कम है ना, इसलिए एक बार डिफरेंशिएशन, एस स्क्वायर खत्म, क्या हो जाएगा, 6/s + 1/s + 3। ठीक है, d/ds इसका हमको
एस प्लस थ्री का डिफ्रेंसिएशन करके हमको एस इक्वल टू जीरो रखना है। तो करते हैं, सिक्स हो गया ये, बाहर में क्या हो जाएगा, बी यू डैश एस प्लस थ्री माइनस एस प्लस ऑफ वन है ना अपॉन में एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म, थ्री में प्लस वन फोर हो गया, तो कितना आ गया, ये फोर बाय थ्री आ गया, कितना आ गया फोर बाय थ्री। बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स इंटू एस प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा एस प्लस थ्री एस इक्वल टू जीरो, तो जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा टू आ जाएगा, तब बी भी निकल गया मेरा, ठीक है। अब हम सी निकाल रहे हैं, तो सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स बाय एस प्लस वन अपॉन में एस स्क्वायर, ठीक है, यस, एस इक्वल टू माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू ना, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, तो सिक्स इंटू माइनस ऑफ टू, तो सिक्स इंटू माइनस ऑफ टू, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा नाइन, तो नाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीन दुनी छः तीन तिया नौ, तो माइनस चार बाय तीन हो गई, माइनस फोर बाय थ्री हुआ। तो सब हम ए बी सी सब निकाल दिए, ठीक है, ए बी सी सब निकल गया। अब हम क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पे इक्वेशन वन में रख देंगे ए बी सी का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एस बराबर क्या आया, ए बराबर क्या आया, ए बराबर कितना आया, फोर बाय थ्री वन बाय एस प्लस बी इक्वल टू आया टू बाय एस स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये माइनस आया था, माइनस चार बाय माइनस फोर बाय थ्री माइनस फोर बाय थ्री माइनस फोर बाय थ्री बाय एस प्लस ऑफ थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, वाई टी बराबर फोर बाय थ्री इंटू यू टी प्लस, इसका क्या जानते हैं, टू बाय एस स्क्वायर का क्या होता है, टू बाय एस स्क्वायर का होता है टी इंटू यू टी, टी इंटू यू टी क्या होता है, टी इंटू यू टी, ओके, माइनस फोर बाय थ्री ई टू द पावर माइनस थ्री टी यू ऑफ टी, ओके। तो यहां से हम स्टेप रिस्पॉन्स निकाल दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है फाइव का सी में कह रहा है, स्टेट एंड प्रूव पार्सेवल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पार्सेवल्स थ्योरम, ठीक है। तो पार्सेवल्स थ्योरम कह रहा है, क्या कह रहा है पार्सेवल्स थ्योरम, पार्सेवल्स थ्योरम कह रहा है, कहता है पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, हम अगर जो टाइम डोमेन में जो निकालते हैं ना एक्स मोड ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू होल स्क्वायर इंटू डी टी, तो पर्पस क्या था पार्सेवल्स थ्योरम का, ये कभी कभी टाइम डोमेन में काफी कठिन हो जाता है इंटीग्रेशन, तो हम क्या, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकाल सकते हैं इस तरह से पावर, कैसे, वन बाय टू पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, यही है स्टेटमेंट पार्सेवल्स का, पार्सेवल्स का स्टेटमेंट ये है। और इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि टाइम डोमेन में कभी कभी टफ हो जाता है पावर निकालना, तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होकर के हम ये करेंगे। अब इस, ये तो स्टेटमेंट हो गया, अब हमको क्या करना है, अब प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे तो हमको पता है कि भाई मोड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी को हम ये ले ले रहे हैं एलएचएस साइड, ये दिया हुआ है एलएचएस में, यही दिया हुआ है ना एलएचएस में, इसी से प्रूफ करना है। हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं
कि a माइनस जे टी इंटू ए प्लस जे टी दोनों को, यानी ये क्या है, मान लेते हैं ये एक्स टी है, ये क्या हो जाएगा, एक्स टी का कंजुगेट हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स टी हो जाएगा। और जब मोड ऑफ एक्स टी होगा तो क्या कहेंगे हम, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं, यानी मोड एक्स टी को हम तोड़ सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एक्स टी इंटू एक्स टी का कंजुगेट इंफिनिटी है, हाँ ओके, एक्स टी का कंजुगेट डी टी लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक्स टी को बाहर रखते हैं और इसके लिए हम ऊपर वाला का एक्स टी को अलग रखे और इसका हम लोग ठीक है एक्स टी को बाहर रखे और इसका हम लोग जानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस जे जे ओमेगा टी डी डी टी डी टी ठीक है, ठीक है एक्स टी सॉरी एक्स टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा होगा ओके ए माइनस जे टी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना एक्स ऑफ ओमेगा ई टू दी पावर प्लस जे ओमेगा टी डी ओमेगा अपॉन में वन बाई टू पाई माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एक्स टी इक्वल टू एक्स कंजुगेट है तो यहाँ कंजुगेट भी लिख देते है ना, तो ये तो हमको पता है ना इनवर्स इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बराबर हमको मालूम है ये फॉर्मूला वन बाई टू पाई माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा ई टू दी पावर प्लस जे ओमेगा टी डी ओमेगा इंटू डी टी, तो हम इसको टोटल को क्या लिखेंगे, हम एक्स ऑफ ओमेगा को हम क्या करते हैं बाहर, ये एक्स ऑफ ओमेगा कंजुगेट को हम बाहर कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये जो एक्स ऑफ ओमेगा कंजुगेट है इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा कंजुगेट बाहर कर लिए, अब बच ई एक्स टी को अंदर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, वन बाय टू पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ ये वाला अंदर दे दे रहे हैं ठीक ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये एक्स ऑफ ओमेगा को हम बाहर कर लिए ठीक है, और ये एक्स टी को हम इधर दे रहे हैं, तो एक बार क्या बनेगा, एक बार एक्स ऑफ ओमेगा का भी बन जाएगा और एक बार एक्स टी का भी बन जाएगा, तो हम ओवरऑल क्या लिखेंगे एक्स ऑफ कंजुगेट ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा है ना इंटू इंटू डी ओमेगा, और ये जो वन बाई टू पाई है वो बाहर आ जाएगा ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे ओवरऑल क्या लिखेंगे, वन बाई टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर ठीक, तो इस तरह से प्रूफ भी कर दिया इसको भी ठीक ना।